हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। वेलकम टू आई थिंक चैनल। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम अशफाक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉग्निजेंट का एक जॉब नोटिफिकेशन गिर चुका है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डेटा पोस्ट पर। लोकेशन है वेस्ट बंगाल इंडिया में। ये जॉब है स्पेशली जो मेडिकल बैकग्राउंड रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक साल का एक्सपीरियंस रहने से वेल एंड गुड, तो यहाँ पे जॉब कुछ नहीं है, आपको मेडिकल कोडिंग करना पड़ता है। मेरे बहुत से लोग बहुत से लोग मेडिकल कोडिंग में कर रहे हैं। अच्छी खासी सैलरी और इंसेंटिव बहुत मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको डे शिफ्ट जॉब है तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल कोडिंग में आपको इंसेंटिव बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे जॉब कुछ नहीं है, आपको RCMs करवाना पड़ता है, क्लेम्स करवाना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है और पेमेंट सब कुछ देखना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कॉग्निजेंट वेबसाइट में यहाँ पे कोई सैलरी का कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने रिसर्च किया इस पोजीशन पे एज अ फ्रेशर कितना मिलेगा, और मैंने मेरे दोस्त लोग को भी पूछा है कि एज अ फ्रेशर कितना मिलेगा इस पोजीशन पे। तो मुझे पता चला कि आपको 17,000 से 20,000 ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको एक साल का एक्सपीरियंस रहने से और भी ज़्यादा मिलेगा बेस्ड अपॉन योर स्किल्स। तो इसके लिए आपको स्किल्स का ज़रूरत है, आपको क्लेम्स का रिलेटेड और मेडिकल चार्ज एंट्री का रिलेटेड स्किल्स रहने से बहुत अच्छा रहेगा। आप जल्दी हायर हो सकते हो इस पोजीशन पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहने से कॉग्निजेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो एज सून एज पॉसिबल। ये तो एक दिन पहले ही निकल चुका है, जॉब रिलीज हो चुका है एक दिन पहले। तो एज सून एज पॉसिबल आप अप्लाई करने से यू माइट गेट फिल्ड इन दैट पोजीशन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। मिलते पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप इस पोजीशन को कितना जल्दी अप्लाई करने से आपको उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इकोनॉमी पूरा बर्बाद हो चुका है, आगे आपको जॉब्स मिलने का बहुत मुश्किल होगा। तो अप्लाई कीजिए, नेगलेक्ट मत कीजिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जब तक स्टे होम स्टे सेफ।